एक्सेल में डेट के फंक्शन के जरिए हम साल, महीने और दिन को अलग अलग सेल से वैलिड डेट में तब्दील कर सकते हैं। डेट के फंक्शन के अंदर तीन आर्गुमेंट होते हैं, एक में ईयर होता है। ईयर में हम एक से लेके चार तक के डिजिट्स यानी 1 to 4 डिजिट्स जो है वो इसके अंदर आते हैं। मंथ के आर्गुमेंट के अंदर हम 1 से 12 महीनों के नाम लिखते हैं, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक के नाम आते हैं। और डेज में हम 1 to 31 दिनों के नाम नंबर आते हैं। इसके बाद ये फंक्शन ईयर, मंथ और डे को कॉलम की बुनियाद पर यानी जिस जिस कॉलम में जैसे वीडियो की उसकी बेस पर ये वैलिड डेट को रिटर्न करता है। अब हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। पहली मिसाल में हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग सेल से साल, महीने और तारीख को एक वैलिड डेट में तब्दील करेंगे। ये हमारे पास एक टेबल बनी हुई है जिसमें यहाँ पे हमने ईयर्स लिखे हुए हैं, ये तमाम के तमाम मंथ हैं जो कि 1 से 12 के दरमियान है, ये डे हैं जो कि 1 से 31 के दरमियान है। उसके बाद हम यहाँ पे ये फंक्शन लगाते हैं। इस फंक्शन में हमने सबसे पहले डेट लिखा, डेट के बाद यहाँ पे ईयर आ रहा है, तो यहाँ पे हमने ईयर में ये जो कॉलम है, चूँकि टेबल बनी हुई है तो टेबल के अंदर हमने @ईयर कर दिया, ये कॉलम का नाम आ गया। उसके बाद फिर हमने मंथ यहाँ से ले लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने डे ले लिया है, तो ईयर, मंथ और डे हो गया। ये हमारे पास सब अलग अलग लिखा होता है, लेकिन इस डेट के फंक्शन के थ्रू हमने इसको एक वैलिड डेट पूरा बना दिया है और उसके बाद इसको पूरा नीचे तक कॉपी कर दिया, तो ये एक वैलिड डेट हमारे पास आ गई। यहाँ से इसने डे ले लिया 5, यहाँ से महीना इसने ले लिया 12, और इसी तरीके से यहाँ से इसने 2019 साल ले लिया। तो ये डेट के फंक्शन के थ्रू हम अलग अलग सेल से एक पूरी वैलिड डेट जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह अब हम एक दूसरी मिसाल देखते हैं कि कैसे डेट के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम मौजूदा साल और मौजूदा महीने की पहली तारीख को या जो तारीख भी हम चाहते हैं उस तारीख को कैसे रिटर्न हम लेंगे। अब यहाँ पे हमने इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले डेट को लिया है, डेट के फंक्शन के अंदर फिर हमने ईयर का फंक्शन लिया, और ईयर के फंक्शन के अंदर डेट का जो पहला आर्गूमेंट है उस पहले आर्गूमेंट के अंदर हमने ईयर का फंक्शन को लिया, और ईयर के फंक्शन के आर्गूमेंट के अंदर हमने टूडे को लिया, यानी जिसका मतलब यह होगा कि टूडे आज की तारीख से ये ईयर को ले लेगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आज 2020 है तो ये 2020 का जो साल है उसको लेगा। दूसरे आर्गुमेंट में हमने मंथ को लिया है, और मंथ के फंक्शन के अंदर हमने टुडे को भी लिया है, तो टुडे से ये बनेगा कि ये आज की तारीख को लेके मंथ यहाँ पे ले लेगा जो कि फरवरी आएगा, ठीक है। उसके बाद ये मंथ और ईयर तो हमने यहाँ पे ये ले लिए, इसके बाद ये डेट हम जो भी लेना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इस साल के जिस में करंट महीने के अंदर हम मौजूद हैं उसकी पहली तारीख हमारे पास प्रिंट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे डे जो है 1 कर दिया है। उसके बाद क्या होगा कि ये इंटर करने पर हमें इस महीने की पहली तारीख दे देगा, यानी ये फरवरी का महीना है और 2020 है, लेकिन तारीख जो है जो मैंने वहाँ पर 1 लिखी थी ये 1 डेट यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये हमें बाज़ों का ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अब हम इसकी तीसरी मिसाल देखते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे किसी ख़ास डेट में मज़ीद कुछ दिनों का हम ऐड कर सकते हैं, उनकी तादाद को ऐड कर सकते हैं या उसमें से उसको हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेट है जो कि 1/7/2020 की डेट हमने यहाँ पर ली है, उसमें हम +15 कर रहे हैं, तो ये अब हमें आगे की 15 दिन आगे की डेट दिखाएगा जो कि 2020 की 22 जनवरी बन रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें कोई पिछली डेट लेनी हो, सब्सट्रैक्ट डेज फ्रॉम अ डेट, तो हमारे पास फंक्शन हमारे पास ये होगा कि डेट 2020/1/7, इससे 15 दिन पहले की तारीख हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ गई 23/12/2019, ये उससे पिछली तारीख आ गई। अगर हमें कुछ स्पेसिफिक डेट के अंदर कुछ दिनों का इजाफा करना होगा तो हम स्पेसिफिक डेट हमने डेट के फंक्शन में लिखी, उसके बाद प्लस का साइन के बाद हम जितने डेज हमें बढ़ाने हैं वो हम यहाँ लिखेंगे, तो ये हमें ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट हमें दे देगा उतने दिनों को बढ़ा के। इसी तरह स्पेसिफिक डेट दे के उसको माइनस करें और फिर जितने दिन हम उसमें से माइनस करना चाहते हैं उतने दिन माइनस करें, तो ये हमें उतने दिन मिला के दे देगा।